श्री गणेश साप्ताहिक नक्षत्र राशिफल में आप सबका स्वागत है। और आज का ये प्रेडिक्शन है वीकली फोरकास्ट 20 मई से लेकर 26 मई तक आने वाला नेक्स्ट सप्ताह हम सबको क्या फल देने वाला होगा प्रत्येक राशि के लिए जानते हैं आज का ये प्रेडिक्शन। तो सूर्य ग्रह सबसे आगे चल रहे हैं और सूर्य के पीछे पीछे सब ग्रह चल रहे हैं। तो प्रेडिक्शन में बात करनी है इसके बारे में, सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सूर्य है इनकी बात करेंगे, तो सूर्य वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में है और 24 की रात को यानी कि इंडिया में तारीख 25 हो जाएगी, 25 तारीख को सूर्य जो है ये रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। जो ट्रांजिट रोहिणी नक्षत्र में रहेगा 25 मई से लेकर 7 जून तक, तो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य सबसे आगे रहेंगे, बाकी सब ग्रह सूर्य के पीछे हैं। तो फोकस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड लोगों का सरकार के ऊपर होगा, गवर्नमेंट के ऊपर होगा, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सूर्य सबसे आगे हैं। तो सूर्य जो चलेंगे रोहिणी नक्षत्र में 24 तारीख से, तो मेष राशि के लिए बात करेंगे। अच्छा, सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं। गुरु जो है वो भी वृषभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन गुरु का नक्षत्र कृतिका है और शुक्र का नक्षत्र जो है ये भी कृतिका है, और शुक्र का कृतिका जो है ये 19 मई से चालू हो चुका है और ये ट्रांजिट जो 16 मई से चालू हो चुका है शुक्र का ट्रांजिट कृतिका में, और 19 तारीख से शुक्र वृषभ राशि में आ चुके हैं और 27 मई तक जब तक ये पूरा वीक जो है ये शुक्र कृतिका नक्षत्र में चलने वाले हैं। अब कृतिका नक्षत्र जो है ये सूर्य का नक्षत्र है और शुक्र के लिए बहुत अनकंफर्ट जोन होगा, क्योंकि शुक्र जो है ये इतने तेज ग्रह नहीं है सूर्य के जैसे। तो सूर्य का नक्षत्र है, बहुत तेज नक्षत्र है कृतिका, तो अनकंफर्ट जोन रहेगा लग्जरियस इंडस्ट्री के लिए, लाइक है होटल मोटल रेस्टोरेंट्स, कपड़ों का काम है, सिनेमा नाटक इत्यादि व्यवसाय प्रोफेशन जो है ये धीरे धीरे चलेंगे, नॉट इन प्रोग्रेस बट चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलेंगे। जैसे भेड़ चलता है, भेड़ कैसे चलता है कि धीरे धीरे चलता है, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। तो ये प्रभाव शुक्र का लग्जरियस इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिलेगा और गुरु भी साथ में कृतिका में है, तो गुरु भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे शुक्र के साथ। तो जो लग्जरियस इंडस्ट्री के साथ साथ जो ये एजुकेशन इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब है, ये भी थोड़े स्लो चलेंगे क्योंकि सूर्य से दोनों पीछे हैं और बुध उससे भी पीछे है। बुध मेष राशि में भरणी नक्षत्र में है, तो लोगों की जो बुद्धि है ये उल्टे मार्ग पर चलेगी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जनमानस की बात है, पर्टिकुलर राशि की तो बात करते ही हैं लेकिन ओवरऑल उसका क्या इफेक्ट होगा जनमानस के ऊपर इसकी बात करते हैं। तो बुध भरणी नक्षत्र में है मेष राशि के अंदर, और बुध का भी नक्षत्र परिवर्तन कब होता है वो भी देख लेते हैं। 21 तारीख से 19 तारीख तक जो है 29 तक जो बुध है वो भरणी नक्षत्र में है, तो जब ये प्रेडिक्शन आप देखेंगे एक दिन शायद बुध अश्विनी नक्षत्र में होंगे, लेकिन 21 मई को 21st ऑफ मई सुबह 11:40 21st मई मतलब मंगलवार को ये भरणी नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। वीकेंड तक, वीकेंड नहीं लेकिन उससे भी आगे जो बुध है ये भरणी नक्षत्र में है। अब बुध का भरणी नक्षत्र में फल क्या है, बुध माने बिजनेस बैंकिंग कॉमर्स कंसल्टेंसी, तो
जिनका भी ये लग्जरियस इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन है इनका काम थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन काम भी जो है लोगों के बिजनेस है ये धीरे धीरे चलेंगे, हाथी की गति से चलेंगे। हाथी जैसे चलता है स्लोली स्लोली झूम झूम चलता है, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे सबके कारोबार। राहु भी रेवती नक्षत्र में है, गज योनि के अंदर है, और राहु बुध से भी राहु पीछे है, राहु से पीछे शनि है, शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, और शनि की दृष्टि जो है ये बुध के ऊपर है गोचर ट्रांजिट के अंदर। तो ओवरऑल जो लोगों का बिजनेस कारोबार है ये स्लो देखने को मिल रहा है, और एवरीवन शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन, क्योंकि शनि का नक्षत्र पूर्व भाद्रा है जिसकी सिंह योनि है, और सिंह योनि में बैठकर बुध जो है वो गज योनि के ऊपर दृष्टि करते हैं। तो ओवरऑल जो लोगों के सामान्य जो लेबर क्लास लोग हैं, नीचे के वर्ग जो छोटा काम करने वाले हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके जिनके साथ काम करते हैं, इनके साथ भी ऑपोजिशन गज ग्रह हो सकता है मालिकों के साथ। तो आपको आने वाले समय में कहीं भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये मिल में हड़ताल हो गई या स्ट्राइक हो गई, तो जो वर्कर्स लोग हैं ये स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे या काम नहीं करेंगे या कुछ भी ऐसा बवंडर या बबाल आपको देखने को मिल सकता है। तो चंद्र का नक्षत्र हस्त नक्षत्र कन्या राशि से शुरुआत होगी। कन्या का चंद्र है, मंडे को हस्त नक्षत्र है, और वीकेंड में संडे को चंद्र मूला नक्षत्र में होंगे। तो चंद्र की जो राशि है वो कन्या से लेकर धन तक चलेंगे, और इस वीक के अंदर चलने वाले जो नक्षत्र हैं ये हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा और संडे को मूला है। तो इस प्रकार से ग्रहों का ट्रांजिट इस सप्ताह के अंदर चलने वाला है। और केतु हस्त नक्षत्र में है, और केतु भी जो है ये सूर्य से पंचम स्थान में। तो सबसे अब अच्छा शुभ किसको मिलने वाला है, जिनका भी जन्म का जो सूर्य है ये उत्तरा फाल्गुनी है, कृतिका है या उत्तराषाढ़ा है, ये जातकों के लिए केतु सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं। ओवरऑल राशि की बात करें 12 राशियों की, तो ये सप्ताह कैसा जाने वाला होगा इसके बारे में जानते हैं। मेष राशि के लिए बुध आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, जो माइंड का वाइब्रेशन बढ़ाने वाले हैं, तरंगीपन जो बोलते हैं उसको वाइब्रेशन बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से जो सैटर्न है उसकी भी दृष्टि है आपकी राशि के अंदर, जिसके कारण ये हर कार्य में विलंब डिले। राहु बारहवें स्थान में है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं। सूर्य धन भाव में है, वाणी के स्थान में है, वाणी में अंगारे बरस सकते हैं। तो यू शुड टेक केयर इन स्पीकिंग पर्टिकुलर इन फैमिली, और इसमें भी खास करके 25 तारीख से जो नक्षत्र कृतिका चालू रोहिणी चालू होने वाला है, इसमें खास करके जिनका भी जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र में, ये जातकों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, वाणी में संयम बरतना होगा। तो चंद्र का जो ट्रांजिट है मेष राशि के लिए, चंद्र नीचे कुंडली के नीचे के स्थान में चल, 6th हाउस से लेकर भाग्य स्थान में चलने वाले हैं। कॉन्स्टेंटली डाउन जाने वाले चंद्र मूड डाउन का सिचुएशन आपको फेस करवाएंगे। 2 नंबर यानी कि टॉरस, सूर्य गुरु शुक्र एक साथ आपकी राशि के अंदर है। अब जब जिनके जन्म के चंद्र टॉरस में है, ये जातकों के लिए सूर्य चंद्र के ऊपर आने के कारण माइंड ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। लेकिन जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे जातकों के लिए गुरु का ट्रांजिट शुभ है, आपका पढ़ाई एजुकेशन अच्छा होगा। जो कोई भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री में है उनका भी काम अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्य राशि के अंदर होने के कारण सूर्य जो कि उग्र ग्रह है,
जिसके चलते हुए यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ पार्टनर। राहु मंगल आपके लाभ स्थान में है, वृषभ राशि के लिए मित्रों से लाभ करने वाले हैं। जो कोई भी जातक रियल एस्टेट में कनेक्टेड हैं और जिनका भी जन्म कृतिका में है, सूर्य कृतिका में है, ये जातकों को थोड़ा केयरफुल रहना होगा कम्युनिकेशन में अपने मित्रों के साथ, क्योंकि ये दोनों रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, आपके वध नक्षत्र में चल रहे हैं। हालांकि रोहिणी वाले जातकों के लिए ट्रांजिट सूर्य राहु और मंगल का साधक नक्षत्र में है, सक्सेस जोन के अंदर है। मेष राशि के लिए राहु और मंगल 12वें स्थान में जो है ये एक्सपेंसेस बढ़ाने वाले हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस भी शायद आ सकते हैं। तो वृषभ को पार्टनर के साथ केयर करना है और मित्रों के साथ केयर करना है। और वृषभ वृक्षिरा के लिए भी जो ट्रांजिट है ये रेवती का, दोनों ट्रांजिट राहु मंगल का, ये मित्रों के साथ आपका भारी ऑपोजिशन करवाने वाला हो सकता है। तीन नंबर यानी कि मिथुन राशि के लिए बात करें तो सूर्य मेन एनर्जी है, गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है, 12वें स्थान में है, तो ट्रांजिट आपको एब्रॉड की ओर जाने का कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य 12वें स्थान में है, एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से आपको लाभ रहेगा। राहु भी आपके 10वें स्थान में चल रहे हैं जो आपकी एब्रॉड की दिशा खोलने वाले हैं। केतु 4थे स्थान में है, मकान वाहन प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई भी कारोबार जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। चार नंबर यानी कि कर्क राशि के लिए सूर्य गुरु शुक्र लाभ स्थान में है। कर्क राशि के लिए जो भी जातक अविवाहित हैं इनके विवाह के योग करने वाले हैं, मैरिज एंगेजमेंट इत्यादि भी हो सकता है। जो जातक मैरिड हैं, संतान इच्छुक हैं, इनको संतान कंसीविंग, संतान प्राप्ति भी हो सकती है। और हालांकि पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम स्थान में होगी। धन भाव में शनि की दृष्टि है, सिंह राशि के सॉरी कर्क राशि के लिए बात करते हैं। धन भाव में शनि की दृष्टि है, वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर आंखों का विशेष केयर करना होगा। और गोचर ट्रांजिट में राहु मंगल जो रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, ये पर्टिकुलरली हु आर बोर्न इन पुष्य नक्षत्र, यू आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन राहु एंड मंगल भाग्य स्थान के अंदर आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाले हैं। सिंह राशि के लिए बात करें तो ट्रांजिट सप्तम स्थान में शनि, 8वें स्थान में राहु मंगल, 10वें स्थान में सूर्य, तो ट्रांजिट कुछ ऐसी है बिजनेस कारोबार के लिए ठीक है, लेकिन सुख चैन का अनुभव आपको नहीं करने देंगे। सूर्य 4थे स्थान में दृष्टि करते हैं, सुख स्थान आपका जला देंगे। मंगल अष्टम स्थान में है जो कि पारिवारिक समस्या क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, आंखों का भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। शुड बी टेक केयर अबाउट दैट, टेक केयर इन स्पीकिंग पर्टिकुलर इन फैमिली, अदरवाइज पारिवारिक समस्या भी आपकी बढ़ सकती है। सिक्स नंबर कन्या राशि, पृथ्वी तत्व की राशि कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाली तीन ट्रांजिट एक्सट्रीमली गुड है। वृषभ के सूर्य, मिथुन के सूर्य, कर्क के सूर्य, 15 अगस्त तक का समय आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ समय है। बिजनेस कारोबार के रिगार्डिंग चार चांद लगाने वाले हैं। हालांकि 1 जून तक जो बुध है आपके 8वें स्थान में है, तो वाणी व्यवहार और वर्तन में आप सबको केयर करना है कन्या राशि वाले तमाम जातकों को, अन्यथा पारिवारिक समस्या या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर सकता है। चंद्र का मोशन कन्या राशि के लिए आपकी राशि से लेकर जो है ये चलेंगे धनु राशि के अंदर, और चंद्र जो है ये फुल पावर में है, तो एक दिन खुशी एक दिन गम, कभी खुशी कभी गम, ऐसा कुछ महसूस करेंगे। तुला राशि के लिए बात करें तो मेन एनर्जी सूर्य अष्टम स्थान में है। जिनका जन्म का सूर्य तुला है, चंद्र तुला है या लग्न तुला है, ये तमाम जातक अनकंफर्ट जोन से अभी पास हो रहे हैं।
तो सूर्य मैन एनर्जी का अष्टम स्थान में होना ठीक फल नहीं देने वाले हैं। पारिवारिक समस्या आपकी बढ़ सकती है। यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट एंड वाणी में संयम बरतना होगा, अन्यथा परिवार में तो समस्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। और आंखों का भी विशेष केयर करना है। चंद्र मोशन जो है 12वें स्थान से निकलकर पराक्रम भवन में जाने वाले हैं। अपर साइड जाने वाले कॉन्स्टेंट चंद्र आपके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि करने वाले बनेंगे। 8 नंबर यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। सितारे जो हैं ये आपके बुलंद हैं। सूर्य 7th हाउस में है, आपकी राशि के अंदर सूर्य की दृष्टि है। और वैसे भी अभी ये पूर्णिमा इस सप्ताह के अंदर आने वाली है। फुल पावर सूर्य का आपको मिलने वाला है। गजब का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। और लेकिन इसके साथ साथ माइंड का एग्रेसिवनेस भी आपका बढ़ सकता है। तो इसके इफेक्ट में आपको अपने पार्टनर के साथ मैरिटल लाइफ में, लव लाइफ के अंदर और बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप में आप सबको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। संतान रिगार्डिंग आपके कार्य बनेंगे, संतानों के टेंशन दूर होंगे। राहु मंगल दोनों रेवती नक्षत्र में हैं। जिनका भी जन्म अनुराधा नक्षत्र में है ये जातकों को और ज्येष्ठा वाले जातकों के लिए एक्सीलेंट फल देने वाले हैं। चंद्र मोशन लाभ स्थान से निकलकर धन स्थान में जाने वाले हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति का संकेत मिल रहा है इस सप्ताह के अंदर और कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त बढ़ने वाला है। हालांकि बुध भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं जो 16-29 तारीख तक बुध भरणी नक्षत्र में है, जिसके इम्पैक्ट में जिनका भी जन्म हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिनका जन्म का सूर्य ज्येष्ठा है या चंद्र ज्येष्ठा है, ये तमाम जातकों को अपने वाणी व्यवहार और वर्तन में केयर करना होगा। अन्यथा इसकी गड़बड़ के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है या रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। धनु राशि के लिए बात करें तो मेन एनर्जी सूर्य आपके 6th हाउस में है, राहु मंगल 4थे स्थान में है, केतु 10वें स्थान में है। कुछ असमंजस वाली परिस्थिति है, माइंड में द्विधा कुछ चल रही है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते हैं और किसी को बता नहीं सकते हैं। और खास करके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर या माता पिता के साथ रिलेशन या तो इन लॉज के साथ रिलेशन, ऐसा कुछ ना कुछ, या तो जॉब को लेकर कुछ टेंशन, इस प्रकार की दुविधाएं आप कुछ महसूस कर रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन इस सप्ताह के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि चंद्र का आपको बल मिलने वाला है। चंद्र आपकी राशि के अंदर आने वाला है, तो वीकेंड के अंदर थोड़ा सा आपको शांति और सुकून मिलने वाला है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न बिजनेस टाइकोन, जबरदस्त बिजनेस करने वाले मकर राशि वाले जातक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस नक्षत्र के अंदर, इस राशि के अंदर पाए गए हैं। तो मकर राशि के लिए, क्योंकि राशि शनि की है, तो बट ऑफ कोर्स सिस्टमेटिकली शिस्तबद्ध काम करने वाली राशि है। और इसके अंदर जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य का पावर है, चंद्र का पावर है, मंगल का पावर है, पावर ही पावर भर दिया है मकर राशि के अंदर जिस नक्षत्र के कारण। तो एनर्जी तो है इसके कारण, बहुत अच्छा ये काम कर जाते हैं लाइफ के अंदर। और 10 नंबर वैसे भी बिजनेस को दिया गया है, कर्म क्षेत्र को दिया गया है। काल पुरुष की कुंडली में जो 10th 10 नंबर है ये बिजनेस कारोबार के रिगार्डिंग देखा जाता है। तो बिजनेस कारोबार वाली मकर राशि वाले जातकों के लिए भाग्य वृद्धि के लिए ये सप्ताह बहुत मायने रखता है, क्योंकि चंद्र भाग्य स्थान से निकलकर आपके 12वें स्थान में जाने वाले हैं। 9वां 10वां 11वां 12वां वीकेंड के अंदर आपको बाहर एब्रॉड कनेक्शन से जबरदस्त कुछ बिजनेस मिल सकता है। शनि आपके धन स्थान में है, सूर्य 5म स्थान में है, ये भी आपके लिए लाभ करने वाले हैं।
हालांकि मित्रों के साथ थोड़ा सा रिलेशन में केयर करना होगा और पारिवारिक समस्या ज़्यादा क्रिएट ना हो उसका भी केयर करना होगा। वाणी के समय शनि ठीक नहीं है तो उसके कारण क्या होगा कि जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ डबल बोल जाते हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम है। कुंभ राशि के लिए बात करें 11 नंबर के लिए तो सूर्य चौथे स्थान में है, सुख स्थान में है। अब सुख स्थान में जो सूर्य है ये तो शुभ परिणाम नहीं देंगे, मेन एनर्जी है सुख का अनुभव आपको नहीं करने देंगे। गुरु भी साथ में है, शुक्र भी साथ में है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन 25 तारीख से होगा जब शुक्र का सूर्य का नक्षत्र रोहिणी होगा तो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का फल थोड़ा माइल्ड होगा। लेकिन अभी जो कृतिका नक्षत्र है ये सूर्य का खुद का नक्षत्र है विच इज़ मेकिंग वेरी अनकम्फर्टेबल राइट नाउ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। मकान वाहन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं। मेरा खुद का भी सूर्य जो है ये कृतिका नक्षत्र के अंदर है तो गाड़ी में खर्च आ गया है, मतलब एक ग्रहों का फिजिकल इम्पैक्ट जो मैं बोलता हूँ ना कि सूर्य से जब सूर्य चौथे स्थान में चलते हैं तो माता के साथ भी रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, फादर के साथ भी आ सकता है, मकान में कुछ खर्च आ सकता है, वाहन में कुछ खर्च आ सकता है, या तो इन लॉज के साथ भी रिलेशन में तनाव आ सकता है, तो ये सब सेक्टर में केयर करना होगा। चंद्र ट्रांजिट जो है ये अष्टम स्थान से निकलकर लाभ स्थान में जाने वाले हैं तो वीकेंड के अंदर आप अच्छा बिजनेस काम करेंगे। ये सप्ताह बिजनेस करियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा शुभ परिणाम देने वाला होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी राहु मंगल रेवती नक्षत्र में और ये दोनों जो नक्षत्र हैं ये कम्युनिकेशन के नक्षत्र हैं और प्लेनेट जो है ये उग्र है राहु और मंगल, तो यदि आप वाणी में उग्रता करते हैं, एग्रेसिवनेस करते हैं और उसमें भी खास करके जिनका भी जन्म हुआ है कुंभ राशि में धनिष्ठा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, ये जातकों को अपने वाणी व्यवहार और वर्तन में सबसे ज़्यादा केयर करना होगा, अन्यथा इसके कारण पारिवारिक समस्या या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि अभी तीन ग्रह जो है ये गज योनि के अंदर हैं, राहु रेवती मंगल रेवती और बुध जो है ये भरणी, तो ये शत्रु नक्षत्र में जलने वाले जो ग्रह हैं धनिष्ठा गोचर ट्रांजिट के अंदर इस सप्ताह के अंदर मकर धनिष्ठा और कुंभ धनिष्ठा जिनकी जन्म की योनि सिंह योनि है, ये तमाम जातक परिवार को लेकर या फाइनेंस को लेकर जबरदस्त स्ट्रेस और तनाव महसूस करेंगे। 12 नंबर यानी कि रेवती मीन राशि के लिए बात करें तो शनि 12वें स्थान में है और मीन राशि में पर्टिकुलरली जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है ये जातकों के लिए शनि पूर्व भाद्रपद में विपद नक्षत्र शत्रु नक्षत्र में है, क्योंकि रेवती की योनि गज योनि है, शनि जो पूर्व भाद्रपद में चल रहे हैं सिंह योनि के अंदर चल रहे हैं, 12वें स्थान में शत्रु नक्षत्र में चलने वाले शनि आपको पारिवारिक समस्या या तो ज़्यादा एक्सपेंसेस इस प्रकार का कुछ आप महसूस करेंगे। रेवती के लिए डबल नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि शनि 12वें स्थान में पूर्व भाद्रपद में शत्रु नक्षत्र में है और धन स्थान में दूसरे स्थान में बुध भरणी नक्षत्र में विपद नक्षत्र में है, तो पैसा आपके पास आ नहीं रहा है या तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है और मांगने वाले आपके पास बंदूक लेके खड़े हैं, मतलब ऐसे कड़क उग्राणी वाले आपके सामने खड़े हैं, तो इसके बीच में आपका सैंडविच हो रहा है, तो इस प्रकार की कुछ आप महसूस करेंगे। या तो इनकमिंग के मुकाबले आपका आउटगोइंग ज़्यादा रहेगा, इसके कारण भी स्ट्रेस और तनाव दिमाग के ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ महसूस करेंगे। हु आर बॉर्न इन रेवती, जिनका जन्म का सूर्य रेवती है या चंद्र रेवती है। सूर्य आपके पराक्रम भाव में है गुरु बुध शुक्र के साथ तो ये ट्रांजिट पराक्रम भवन में आपके साहसिकता बढ़ाने वाली है। चंद्र मोशन 7th हाउस से लेकर आपके 10वें स्थान में जाने वाले हैं, बिगिनिंग
बिगिनिंग से लेकर हाफ ऑफ द वीक जो है थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव डिसअपॉइंटिंग रहेगा रहेगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब चंद्र भाग्य स्थान में चलेंगे, दसवें स्थान में चलेंगे, तो वीकेंड के अंदर अच्छा बिजनेस कारोबार काम हो सकता है और आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं और वीकेंड भी विल बी वेरी हैप्पी। तो ये जो ट्रांजिट है ग्रहों की नक्षत्र के हिसाब से प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इस प्रकार का नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन शायद ही कोई करता है, मेरे हिसाब से कोई नहीं करता है, इसकी मेरी गारंटी है, नरेश खत्री की गारंटी है नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं।